जमशेदपुर के सरकारी कार्यालय का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इन दिनों सरकारी कार्यालय में किसी काम को लेकर जाने पर भले ही आपके काम को होने में समय लगे, लेकिन बिचौलिए आपकी जेब का वजन देखकर उसे खाली करने में जुट जाएंगे। हद तो ये हो गई है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी अब इससे परेशान है। ऐसे ही एक अनजान आदमी आ गए हमारे पास, क्या काम है बाबू? हमने बताया उनको कि मेरे बड़े पिताजी का ये पेंशन का है, तो बोले कि काम करो हमको दे दो, 500 रुपये के डिमांड किए, हमको दे दो हम करा देंगे। ये पेंशन का बात है, संबंधित पदाधिकारी अगर इस पर कड़ी निगरानी करे, जल्द से जल्द क्या नाम इस पर काम करे और जो बिचौलिए हैं उनको यहाँ से खदेड़ दे, तो यह काम नहीं होगा। नहीं तो इससे आम जनता त्रस्त है। जनता जो है उतना जागरूक नहीं है, जिसके कारण जो है सामने जो प्रया केंद्र है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं तो उस तरह के आदमी है जो बिचौलिया के संपर्क में आ ही रहे हैं, और उनसे जो है मान लीजिए जिनका जो काम 30 रुपये में होता है 300 ले लेता है, मान लीजिए जो काम 20-25 रुपये में हो रहा जाती है आवाज तो 500 रुपये ले लेता है। ऐसे व्यक्ति हम लोगों के पास आने लगे जिनका काम बिल्कुल होने लायक था, जमीन था, लेकिन किसी बिचौलिए या ऐसे ठगी के जो बाहर में रोक के उनसे आपका काम करवा देते हैं, वो काम को डिले करवाते हैं खुद से और उसके हिसाब से वो काम में कुछ पैसा उनसे खींचते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने खुद भी अपील की लोगों को कि आप स्वयं आइए काम करवाइए यहाँ पर, और काम करवा के हम लोग देते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एक साधारण सा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, बहुत बार कंप्लेन होता है कि बहुत लंबे पीरियड से सर दे रखा है लेकिन नहीं बन रहा है, जबकि वो ऑनलाइन अप्लाई होता है और ऑनलाइन ही बनता है, लेकिन यहाँ पर बिचौलिए उसको फॉर्म भरवा के पास में रख लेते हैं और इंतजार वो करते रहता है, उसको पता ही नहीं कि ऑफलाइन जो है नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।